कैमूर में अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने के विरोध में बक्सर में भीम आर्मी के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च किला मैदान से निकलकर अंबेडकर चौक तक पहुंचा। इस दौरान भीम आर्मी के सदस्यों के द्वारा जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई और यह कहा गया कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। ऐसे में जब तक कैमूर में अपराधियों की शिकार हुई बच्ची के परिजनों को न्याय नहीं मिलता तब तक विरोध जारी रहेगा। कैंडल मार्च का मुख्य उद्देश्य है कैमूर जिला में जो अति पिछड़ा समाज की बच्ची के साथ रेप करके और उसको हत्या कर दी गई है उसके विरोध में और उसके परिवार को जो उचित मुआवजा है मुआवजा दिलाने और जो हत्यारा है उसे फांसी दिलाने के लिए आज हमारा गृह जिला बक्सर में कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। अच्छा, क्या लगता है जो सरकार है सरकार में अनुसूचित लोगों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार क्योंकि बक्सर में भी कई मामले ऐसे हैं? सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज के जितने भी समुदाय में एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के भी लोगों को यहाँ पर अत्याचार हो रहा है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर रोक लगे और जो भी इस तरह का हत्यारा हो उसे स्पीडी ट्रायल एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। ये भी मान रहे हैं कि फिर से जंगल राज आ गया है बिहार में? जंगल राज ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं लेकिन जो प्रक्रिया देखने को मिल रहा है इसे साबित होता है कि पहले की अपेक्षा अभी जंगल राज काम हो रहा है। आपका नाम? जी, मैं अनिल प्रधान, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी से।